विधानसभा भागलपुर। बिहार के 243 विधानसभा सीटों में से एक भागलपुर विधानसभा सीट है। ये विधानसभा क्षेत्र भागलपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बता दें कि ये सीट 1951 से ही अस्तित्व में है। साल 1951 में इस सीट पर पहली बार चुनाव हुए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्येंद्र नारायण अग्रवाल विधायक चुने गए। 1952 में सत्येंद्र नारायण अग्रवाल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के टिकट पर चुनाव जीते। 1962 में ये सीट एक बार फिर से कांग्रेस के खाते में गई और सत्येंद्र नारायण अग्रवाल एक बार फिर से विधायक चुने गए। 1967 से 1977 तक इस सीट पर भारतीय जनसंघ और 1980 में भारतीय लोकदल का कब्जा रहा। बता दें कि विजय कुमार मित्रा लगातार 4 बार विधायक चुने गए। इसके बाद 1980 में कांग्रेस इंदिरा गांधी और 1985 में कांग्रेस के टिकट पर शिवचंद्र झा विधायक बने। 1990 में भारतीय जनता पार्टी के विजय कुमार मित्रा तो 1995 से 2014 तक अश्विनी कुमार चौबे विधायक चुने गए। 2014 में अश्विनी कुमार चौबे भागलपुर सीट से सांसद बनकर लोकसभा तो पहुंच गए, लेकिन भागलपुर विधानसभा की सीट को बीजेपी नहीं बचा पाई और कांग्रेस के अजीत शर्मा विधायक चुने गए। इसके बाद 2015 के विधानसभा चुनाव में भी इस सीट पर अजीत शर्मा का ही कब्जा रहा। अब अगर आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो साल 2015 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अजीत शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी के अर्जित शाश्वत चौबे को 10,658 वोटों से हराया और विधायक चुने गए। अजीत शर्मा को कुल 70,514 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे अर्जित शाश्वत चौबे को कुल 59,856 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे निर्दलीय विजय प्रताप शाह को कुल 15,212 वोट मिले थे। वहीं 2010 में हुए विधानसभा चुनाव के परिणामों पर नजर डालें तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के अश्विनी कुमार चौबे ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अजीत शर्मा को 11,060 वोटों से हराया और विधायक चुने गए। अश्विनी कुमार चौबे को कुल 49,164 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे अजीत शर्मा को कुल 38,104 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे लोजपा के डॉक्टर एन के यादव को कुल 19,479 वोट मिले थे। वहीं 2005 में हुए विधानसभा चुनाव के परिणामों पर नजर डालें तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के अश्विनी कुमार चौबे ने कांग्रेस के प्रवीण सिंह को 21,777 वोटों से हराया और विधायक चुने गए। अश्विनी कुमार चौबे को कुल 53,698 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर रहे प्रवीण सिंह को कुल 31,921 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे लोजपा के रजनीश कुमार को कुल 2,645 वोट मिले थे। पिछले चुनाव परिणामों पर नजर डालें तो इस सीट पर 2014 में हुए उपचुनाव और 2015 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का कब्जा रहा है। हालांकि इससे पहले 4 बार इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के अश्विनी कुमार चौबे जीत हासिल कर चुके हैं, लेकिन पिछली बार जब उनके बेटे अर्जित शाश्वत चौबे को टिकट दिया गया तो स्थानीय स्तर पर इसका काफी विरोध हुआ और नतीजा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी यहां से चुनाव हार गई। इस बार बीजेपी और जदयू एक बार फिर से गठबंधन में है तो सामने महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे। ऐसे में सीट पर मुकाबला बेहद रोचक होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।